बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया शुरू चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 मई 2023 को 19 से 22 के पाठ्यक्रम का रिजल्ट आया। कन्या उत्थान योजना 50,000 रुपये आपको दिया जाएगा, सिर्फ लड़की को मिलता है। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कई वीडियो में कर चुका है, फिर भी लड़के कमेंट करते हैं कि सर हमको भी मिलेगा का, तो लड़का लोग आपको नहीं मिलेगा, आप लोग कमाओ। तो बात ये, अब कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि आप लगातार बात कर रहे हैं कि ये डिटेल्स ऐड करवाइए, वो डिटेल्स ऐड करवाइए, और आपने कहा था कि ऑनलाइन आवेदन जो होगा वह 2024 में होगा, तो अभी ये प्रक्रिया क्यों? तो तमाम स्टूडेंट बाज़ाब्ता आपका लिस्ट में नाम आएगा, आपका नाम लिस्ट में रहेगा तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए, लिस्ट में नाम सारा डिटेल्स ऐड करने के लिए प्रक्रिया तो पहले शुरू करनी पड़ेगी। तो अभी से ही आपका सारा डिटेल्स मंगवाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में कि आप लोग अपना अपना ये डिटेल्स जमा कीजिए ताकि हम अपडेट कर देंगे, और आवेदन की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो आपका सारा डिटेल्स रहेगा, बस थोड़ा मोरा काम करना है और आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। तो आवेदन तो 24 में होगा, 2024 में, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं आपको जमा करना होगा। अब कौन कौन स्टूडेंट डॉक्यूमेंट जमा करेंगे बात अब इस पर है। तो कॉलेज लिस्ट वाली जो वीडियो आपने देखी उसमें 60 कॉलेज का नाम है बिहार यूनिवर्सिटी के, उसी 60 कॉलेज के स्टूडेंट को मिलेगा, और उसी 60 कॉलेज के स्टूडेंट ही जमा करेंगे अपना डॉक्यूमेंट। कहाँ? कॉलेज में कह रहे थे आप लोग, मैंने वीडियो में कहा था कि आपको मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी LS कॉलेज के पीछे है। आइए आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में आप कहीं भी पूछिएगा कि DSW ऑफिस कहाँ है या अध्यक्ष छात्र कल्याण ऑफिस कहाँ है, आपको बता दिया जाएगा, वहां पर आपको जमा करना है। जमा करने में आपको मैंने क्या बताया था कि आधार कार्ड आपको जमा करना है, पार्ट 3 के मार्कशीट का जीरोक्स, सबका जीरोक्स, आधार कार्ड का भी जीरोक्स, पार्ट 3 के मार्कशीट का जीरोक्स, और जो पार्ट 1 में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था उसका जीरोक्स, और आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। जिनकी जो है कि शादी हो गई है उनके आधार कार्ड पर यदि हस्बैंड का नाम नहीं होगा तो वो अपना आवासीय ले जा करके देंगे। आवासीय जो है कि QR कोड वाला होगा, दूसरे पहले का भी होगा, आपके आवासीय पर QR कोड होगा, फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको फादर नेम का एक प्रूफ दे देना है कि मेरे पिताश्री का नाम ये है और इसका स्पेलिंग ये है। और हाँ, स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा कि जो आपके 10th की मार्कशीट पर है, 12th के मार्कशीट पर है, आपके फादर का नाम हो वो एकदम से मैच करता हो। और डेट ऑफ बर्थ के मामले में तमाम स्टूडेंट आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो और मैट्रिक के मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो दोनों सुधार करवा लीजिए। दोनों अलग अलग रहेगा तो सिर्फ यहीं पर दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको बहुत जगह दिक्कत होगा। तो डेट ऑफ बर्थ भी जो है कि सुधार करवा लीजिएगा, जो आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो मार्कशीट पर 10th के आपका होना चाहिए। ये आपको कई जगह काम आने वाले हैं। डॉक्यूमेंट जमा करने का कोई लास्ट डेट नहीं है, आप कभी भी जा करके डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। जितना जल्दी जमा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा तमाम स्टूडेंट। तो ये मोटा मोटी बात था कि जिनका कॉलेज लिस्ट में नाम है वही जा करके जमा करेंगे अपने कॉलेज का नाम है। तो कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर सीवर वाला जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उसका नाम क्यों नहीं है लिस्ट में, हालांकि ये सरकारी कॉलेज है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मधुबन में है, वहाँ पर उसका क्यों नहीं नाम है? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बघा में है, उसका क्यों नहीं नाम है? तो तमाम स्टूडेंट कन्या उत्थान योजना की राशि मिलने के लिए, इन लोगों का एप्लीकेशन 2020 से है, तो 20 में जिनका एडमिशन हुआ या 20 से जिनका एडमिशन हुआ उनको मिलेगा, उससे पहले वाले को नहीं मिलेगा। 19 से 22 वाले को, इन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अफिलिएशन कन्या उत्थान योजना के लिए 20 से इन लोगों को मिला है। ठीक, आपका 19 में एडमिशन है, इसलिए इस कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं है। तो लगभग चीजें अब क्लियर हो गई होगी कि डॉक्यूमेंट किनको किनको जमा करना है। और एक चीज, कुछ मैंने मैसेज देखे हैं जिस पर शेयर किया जा रहा है कि हम आपका घर बैठे डॉक्यूमेंट जो है कि अपडेट करवा देंगे यूनिवर्सिटी में, इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। तो जिस नंबर को दिया गया है व्हाट्सएप पर, आपके भी पास गया होगा, मेरे पास भी आया है, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि जो है कि बिना पैसा का तो कोई काम करता नहीं है। अगर वो आपसे ज़्यादा पैसा मांगता है या डिमांड वगैरह करता है तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि सामने वाला फ्रॉड भी हो सकता है। हम उस पर कितना विश्वास करें ये डिपेंड करता है कि वो हमसे बात कैसे कर रहा है और हमारा काम सच में करवाएगा या नहीं, और यदि करवाएगा तो प्रूफ वो क्या देगा कि आपका काम हो चुका है। तो ऐसे लोगों से भी बच कर रहना है, कोशिश करें कि आप खुद चले जाएं, अब जाकर के आप आवेदन दे सकते हैं। और आप में से कोई भी आकर के यूनिवर्सिटी में आवेदन देते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आवेदन दे चुके हैं, तो एक बार कॉमेंट में आप हमें बता दें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछा गया है, ताकि हम और छात्राओं को ये बातें बता सके।
छात्र का बात जैसे ही आएगा कन्या उत्थान योजना में, तो समझिएगा कि छात्र को मिलने वाला है नहीं। बोलने में कभी कभी हो जाता है कि छात्र छात्रा जबान पर बैठा हुआ है तो छात्र भी बोला जाता है, लेकिन कन्या उत्थान योजना में सिर्फ छात्राएं ही आती है, छात्र नहीं आते हैं। और आप पूछ रहे थे कि सर मेरे कॉलेज का नाम उस लिस्ट में नहीं है, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं है तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, इतना बात याद रखिएगा। पहले 56 कॉलेज के स्टूडेंट को मिलता था, अब 60 हुआ है और आने वाले समय में और बढ़ते जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में जिस कॉलेज का नाम उस लिस्ट में है उसी के स्टूडेंट को मिलेगा, अदर को नहीं मिलेगा। जिसके कॉलेज का नाम उस लिस्ट में नहीं है उसको नहीं मिलेगा, उसको डॉक्यूमेंट जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि लगभग सभी सवालों का जवाब आपको मिल गए होंगे, कुछ और छूट गए हैं तो कमेंट में पूछिए, उस पर भी हम बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।